टॉपिक वाइज सारे बना रखे हैं, जैसे एलजेब्रा के नोट्स हैं, और टिग्रोम ये ज्योमेट्री है पूरी, जो मेंस लेवल की ज्योमेट्री है वो सारी सेट कर रखी है। काफ़ी एग्ज़ाम्स तो काफ़ी क्लियर हुए हैं एक बार अच्छे से तैयारी करने के बाद। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रीवियस ईयर, जो जितने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेगा, मैंने कम से कम मतलब 800 से 1000 पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करे होंगे मैथमेटिक्स के, उनकी वोकैब करा दें। तो उनसे एक बार वोकैब करने के बाद ये हो गया था कि मतलब एग्जाम में मेरी वोकैब कभी गलत नहीं हुई, 100 में से 100 मार्क्स आते थे वोकैब में। अगर किसी थोड़ा बहुत लॉजिकल बंदा है जिसे मैथ आता है तो वो रीजनिंग में फ्री के मार्क्स हिट कर सकता है। इसीलिए ये डरने की जरूरत नहीं कि भाई हमारा एमटीएस कांस्टेबल में नहीं हुआ, पढ़ाई करो कांस्टेबल में, मेरा भी 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, एमटीएस में भी नहीं हुआ था मेरा तो, लेकिन उसके बाद जब होने पाए तो एक लेवल की पढ़ाई होती है ना, वो अगर लेवल की पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाते हैं, इतना कोई टफ नहीं रहता। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप कौशिक है और मैं 2018 से फाइनली सीजीएल में रिकमेंड हुआ हूँ। क्या क्या मेरी स्ट्रेटजी रही है और कैसे मैंने दिल्ली में रह के यहाँ तैयारी करी है, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम, जो जो चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स को। और ये देख सकते हैं आप, ये मेरी टेबल लगी हुई है, स्टडी टेबल, यहाँ बैठ के मैं पढ़ाई करता हूँ। ये मैंने अलग अलग सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं, जैसे मैथ इंग्लिश चार सब्जेक्ट होते हैं, तो ये जैसे मैथ का ये इंग्लिश है और ये GS है, और उसके बाद ये रीजनिंग थोड़ा वैसे बना रखा है। और ये मेरा जैसे नोट्स भी मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाया है, ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है और आप देख सकते हैं मैंने इंग्लिश का नोट्स बनाया पूरा चैप्टर वाइज। और जैसे लास्ट में एक सबसे मेन चीज़ होती है वोकैबुलरी, मैंने वो खुद सारी लिख लिख के याद करी है, सारी वोकैबुलरी सेक्शन है मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये यहाँ से याद करा। ऐसे ही मैंने मैथ्स के भी कुछ सिलेक्टेड बुक्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं, उनके भी थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं, जिस चीज़ में डाउट रहा है मुझे, ये मेरे मैथ के नोट्स हैं। और ये देख सकते हो आप, ये मेरे मैथ के नोट्स हैं, जैसे देख सकते हो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है, तो मैंने जो जो डाउट्स या मेरे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं वो मैंने एक सेल लिखे हैं। अब जैसे वहाँ अब उसके बाद चलोगे यूनिट डिजिट है, टॉपिक वाइज सारे बना रखे हैं, जैसे एलजेब्रा के नोट्स हैं, और टिग्रोम ये ज्योमेट्री है पूरी, जो मेंस लेवल की ज्योमेट्री है वो सारी सेट कर रखी है। और इसी तरीके से ये GS के भी नोट्स बनाए हुए हैं मैंने थोड़े बहुत, जैसे देख सकते हैं ये एक बुक है, ये पॉलिटी की है, इसमें सारे जो आर्टिकल्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो SSC पूछता है हर बार वो हैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ सुदीप कौशिक सर हैं, जो SSC CGL 2018 का रिजल्ट आया था उसमें सर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्ट हुए हैं, तो सर से हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा सर ने 10-12 एग्जाम गवर्नमेंट जॉब क्रैक किया है, बहुत आसानी तरीके से ये बताएंगे खुद ही। तो सर से हम बातचीत करेंगे, आपकी जो क्वेरी होती है SSC की रिगार्डिंग, कि आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश GS को कैसे पढ़ना है, और एक प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है एक फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए, उसी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन और इंस्पिरेशन मिल सके। तो सुदीप कौशिक सर, सबसे पहले बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर अपने बारे में कुछ बताएं, आपका इंट्रोडक्शन क्या बेसिकली? मेरा नाम सुदीप कौशिक है और आगरा के पास गाँव है वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा हैं वो फार्मर हैं और टीचर भी हैं। अभी फ़िलहाल आप मुखर्जी नगर में कब से रह के तैयारी कर रहे थे? मुखर्जी नगर में तो मैं 2017 से हूँ मुखर्जी नगर में, जैसे रहता तो यहाँ अक्षरधाम हूँ लेकिन स्टडी वहीं पे रही है मेरी सर। हाँ, कोचिंग आता जाता रहता था मैं, जो भी मुझे ठीक ठाक क्लासेस लगती थी वो लेने जाता था मैं। तो 2017 से था, पहले NDA की तैयारी करी थी लेकिन उसमें नहीं हुआ इंटरव्यू में, तो उसके बाद तुरंत CGL की तरफ टर्न कर लिया था। सर जैसा कि मैंने बताया कि हाँ 10 से 12 एग्जाम आपने क्रैक किया, सर उसको थोड़ा सीक्वेंस बाई ईयर बाई आप बताएं। सो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या था कि 2017 में मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, लेकिन मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में मेरे डाउट हो गया था, इवन बहुत छोटे छोटे एग्ज़ाम्स में, जैसे कॉन्स्टेबल हुआ, CRPF हेड कॉन्स्टेबल हुआ, उस समय में मेरे डाउट हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और उसके बाद कंटिन्यूस 10 से जैसे 12 एग्ज़ाम क्रैक करे, जिसमें से SSC के 2018 से अभी तक सारे एग्ज़ाम, जैसे SSC CHSL 2018, CHSL 2019, CGL 2018, इवन अभी CGL 2019 का रिजल्ट आया है वो भी मेरा क्लियर है, और CPO 2018, 19, 20 तीनों ईयर के CPO क्लियर हैं, और SSC फेस 7th फायर सब इंस्पेक्टर भी क्लियर है, और उसके बाद मैंने 4-5 बार CDS भी दे रखा है, उसका भी रिटर्न क्लियर है, और दिल्ली सबॉर्डिनेट्स, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम्स तो काफ़ी क्लियर हुए हैं एक बार अच्छे से तैयारी करने के बाद। ओके, आपने ये कब सोचा कि हमें कुछ ऐसा लगा, आप जैसे बता रहे थे कि हम ट्यूशन पढ़ा लेते हैं या फिर टीचिंग कर लेंगे, तो फिर आप SSC की तरफ मूव किया, भैया का बहुत सपोर्ट रहा उसमें, तो आपने कब डिसाइड किया कि नहीं मुझे अब चलना है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी?
डिसाइड तो मैंने 2007 मतलब 12th करने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्रिपरेशन करना है, गवर्नमेंट जॉब में ही करना है, और डिफेंस ही मेरी शुरू से चॉइस रही थी, फर्स्ट चॉइस। तो ऐसे एक छोटा सा इंसिडेंट था कि मतलब बड़े भाई ने तैयारी करी थी गवर्नमेंट जॉब की, तो उनका नहीं हो पाया था, तो उनका मतलब मन था कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा कम से कम छोटा भाई करे। और ऐसा भी होता है, जैसे हमारे गाँव का कल्चर है कि अगर किसी की जॉब लग जाती है तो मतलब एकदम वो सुप्रीम उससे देखा जाता है, तो उस टाइम लगी हुई थी, कुछ लोगों की जॉब वॉब भी लगी हुई थी, तो थोड़ा मतलब एक तरीके से क्रिटिसिज्म सा होता था कि इनकी जॉब है इनकी जॉब नहीं है, तो वो उस टाइम से ही मेरा मन था कि नहीं जॉब तो करनी है, अच्छी करनी है। सर जो है कि प्रिपरेशन के दौरान आपका टाइम टेबल क्या हुआ करता था, कैसे आप पढ़ाई को मैनेज करते थे? टाइम ऐसा कुछ नहीं है सर कि मेरा कोई 8 से 10 घंटे वाला टाइम टेबल या ये सब टाइम टेबल, मैंने मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी होगी, मैक्सिमम इतने करी होगी, 4 घंटे 5 घंटे बस मैक्सिमम। हाँ मतलब कंसिस्टेंटली करी इतनी, तो थोड़ा एग्जाम टाइम में थोड़ा बढ़ा देते थे क्योंकि मेरा जैसे मैथ शुरू से ठीक रहा है तो इतना दिक्कत नहीं हुई थी, कहीं पे मैनेज कर लेते थे पढ़ाई को 5 घंटे में भी, उसके बाद कोचिंग वोचिंग चले जाते थे, जैसे इंग्लिश और मैथ की मैंने एक ही बार कोचिंग ली है, उसके बाद कभी कोचिंग नहीं ली, तो उसी तरीके से 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी थी बस, ऐसा कुछ का नहीं। सर अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी उस पर बात करें। सबसे पहले सर मैथ की अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करें कि मैथ्स का अपना कौन कौन सा बुक पढ़ा है, किस टीचर से आपने कोचिंग लिया है, और आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैथ के लिए क्या थी? मैथ क्या है कि मैथ मतलब CGL अगर किसी को क्लियर करना है तो 2 ही सब्जेक्ट सबसे मेन है, एक मैथ और एक इंग्लिश। जैसे ओवरऑल 700 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें से अगर रीजनिंग 50 नंबर का GS उठा दिया जाए तो बचा 600 नंबर मैथ और इंग्लिश के होते हैं। मतलब ये दो अगर जिसके अच्छे हैं तो वो अच्छी रैंक ला सकता है, जिसमें मैथ मेरा बहुत प्लस पॉइंट था, तो मैथ में मेरा शुरू से मतलब अच्छा स्कोर हो जाता था। और उसका रीज़न क्या था कि मैंने कोचिंग तो एक ही बार ली है, और उसके बाद जैसे टीचर हैं एक अजय सर है, मतलब बुक आती है उनकी, उसमें अब बुक में भी कुछ ऐसा नहीं है, कुछ एडिशनल है उसमें, ये है कि प्रीवियस ईयर जहाँ कहीं पे भी आपको मिलते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है प्रीवियस ईयर, जो जितने प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेगा, मैंने कम से कम मतलब 800 से 1000 पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करे होंगे मैथमेटिक्स के, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करे हैं पेपर ना किसी के, लेकिन प्रीवियस ईयर बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजी के तौर पर। मैंने सर की बुक सॉल्व करी है, राकेश यादव सर की बुक सॉल्व करी, उनके क्लास नोट सॉल्व करें, और एक उनकी एडवांस की बुक आती है और वही मैंने करा है सर, ऐसा कुछ नहीं मेंस के लिए कहीं अलग से तैयारी करी या किसी अलग से बैच पढ़ा हो, ऐसा कुछ नहीं, वही मतलब बेस अगर तुम्हारा क्लियर है तो सारा सब कुछ वही पूछा जाता है। तो मैथ की तो यही स्ट्रेटेजी रही है कि मैंने वही बुक्स, दो बुक्स हैं मेरे पास, वो मैंने कम से कम 10 से 12 बार करी हैं, यहाँ पर ये मेरी दोनों बुक्स रखी हुई हैं, ये तो जैसे क्लास नोट्स वाली है, ये एडवांस वाली बुक है। तो जैसे मैं क्या है कि इनमें टिक लगा देता हूँ, मैं जितनी बार करता हूँ तो आप देख सकते हो, जैसे ये प्रीफेस में टिक लगे हुए हैं, इतनी बार मैंने एक बार बुक सॉल्व करी, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब एक ही बुक मैंने सॉल्व करी है कंटिन्यूस जब भी कोई भी एग्ज़ाम आया है, और ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुक्स मैंने सॉल्व करी हैं। तो मैथ की तो यही स्टडी रही है सबसे, प्रीवियस ईयर मेन है मतलब ये ओवरऑल। सर इंग्लिश के लिए कैसे अपना स्टडी बनाया था, और इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपरेशन किया जाए तो बेहतर से बेहतर मार्क्स उसमें लाया जा सके? इंग्लिश एक मेरा थोड़ा चैलेंजिंग सा रहा था क्योंकि शुरू शुरू में जैसे PCM पढ़ के आते तो इंग्लिश में इतना मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे एक टीचर हैं, टीचर मिले तो उनने मतलब इंग्लिश को एकदम बहुत ही ईजिली पढ़ा, वो अजय सर हैं इंग्लिश के, मुखर्जी नगर में पढ़ाते थे पहले और अभी भी हैं, तो उनका मतलब इंग्लिश उनसे अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ही नहीं कि इंग्लिश या ग्रामर जिस तरीके से आजकल रटना वो सब चल रहा है, तो उस टाइम क्या था मेरा स्कोर इंग्लिश में होता नहीं था, इंग्लिश में 50 में से स्कोर होता था 17-18 मतलब 20 हो गए तो बहुत, इवन एक बार तो मेरे 11 नंबर आए थे CHSL के पेपर में, 11 नंबर 50 में से, तो बहुत डीमोटिवेट हुआ। लेकिन सर की जो सर ने जैसा बताया, सर एक चीज़ बताते थे इंग्लिश में मेन कि हमेशा प्रीवियस ईयर 150 पेपर उठाओ और 150 पेपर को 5 बार सॉल्व करो कम से कम मिनिमम है, तो उससे क्या है कि तुम्हारी एक तो टाइम का मैनेजमेंट शुरू होगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है ये समझ आएगा तुम्हें, एक उससे क्या है कि तुम्हारा माइंड सेट होगा कि एग्ज़ाम में कैसा पूछा गया है, अगर तुम कहीं किसी इंस्टीट्यूट के करोगे तो वो उस लेवल के नहीं होंगे। तो सर का मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अजय सर के नोट्स भी हैं मेरे पास, ये अजय मैंने भी दिखाए थे, ये अजय सर के नोट्स बनाए हुए हैं मैंने पूरे, इंग्लिश उन्हीं से पढ़ी है और उनके अलावा इंग्लिश कहीं से नहीं पढ़ी मैंने, और उनके उनसे ही वोकैब, जैसे उनका क्या है कि वोकैब भी कराते हैं, बहुत अच्छे लेवल की वोकैब कराते हैं, तो उनसे एक बार वोकैब करने के बाद ये हो गया था कि मतलब एग्ज़ाम में मेरी वोकैब कभी गलत नहीं हुई, 100 में से 100 मार्क्स आते थे वोकैब में, वोकैब गलत नहीं हुई, तो वहाँ से इंग्लिश बहुत अपलिफ्ट हुई थी। सर की बुक भी है, अजय सर की वोकैब मंत्रा है और एक अजय सर की ये है प्रैक्टिस मंत्रा, ये दोनों बुक भी हैं, दोनों बहुत अच्छे लेवल की बुक हैं,
तो इन्हें करोगे तो ये भी बहुत मतलब बेनिफिशियल रहेंगे। सर रीजनिंग और जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, अगर उसमें एवरेज भी है तो क्या चल सकता है काम? देखो रीजनिंग का तो इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब एक तरीके समझ सकते हो तो फ्री के मार्क्स हैं वो। अगर किसी थोड़ा बहुत लॉजिकल बंदा है जिसे मैथ आता है तो वो रीजनिंग में फ्री के मार्क्स हिट कर सकता है, उसमें 50 मार्क्स आते हैं। तो रीजनिंग क्या है, तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो, मतलब रीजनिंग में कोई ये तो है नहीं कि कोई मेंस लेवल का कोई क्वेश्चन या ऐसा लेवल कुछ नहीं होता उसमें। उसमें होता है तुम्हें प्रीवियस ईयर आते हैं और टॉपिक्स क्लियर हैं और कि ऐसे कंसेप्ट क्लियर हैं कि ये होगा, तो किसी भी टीचर से पढ़ लो रीजनिंग हो जाएगा उसके बाद। और जिसका मैथ अच्छा होता है ऑलरेडी वो रीजनिंग कर लेता है। रीजनिंग कोई बुक बताइए। रीजनिंग का जैसे मैंने तो प्रीवियस ईयर ही करा है, किरण का एक बुक आता है रीजनिंग का, तो मैंने प्रीवियस ईयर और सारे एग्जाम्स के मैंने वो ले रखे हैं पेपर, जैसे सीपीओ हुआ, एसएससी 2001 से लेके सारे पेपर ले रखे हैं, तो उन्हीं से सॉल्व कराए रीजनिंग। तो मैंने पूरा ऐसा कुछ खास नहीं है रीजनिंग का। और एसएससी के जीएस के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। जीएस सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट मेरा जीएस ही रहा है। जीएस इवन मेरा 2018 में मैं सिलेक्टेड हूँ, लेकिन जीएस में मेरे 9 मार्क्स हैं बस 50 में से। 50 में 9 मार्क्स हैं। मैंने एक तो कभी पढ़ा भी नहीं है जीएस इतना खास, लेकिन मतलब कहते हैं कि वो उसमें क्या है कि जैसे जितना भी ज़्यादा टाइम दे लो लेकिन वो इतना मार्क्स स्कोर कर नहीं पाता, तो वो कभी पढ़ा नहीं। अब जब सिलेक्शन हो गया अब इसके बाद जीएस ही पढ़ेंगे, इसके बाद जीएस पढ़ के ही देखेंगे, तो उसमें कभी ज़्यादा मेरा स्कोर रहा नहीं है। सर बहुत सारे फ्रेशर आप इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे आपको, आप एक टॉपर हो, तो अगर इनिशियल स्टेज में कभी आप भी रहे होंगे, स्टार्टिंग के हिसाब ने भी किया होगा, आगे चल के आप अनुभवी होंगे, आप सेलेक्ट होंगे 10-12 या आपने क्रैक किया है, लेकिन जो फ्रेशर हैं वो ज़्यादा भटके ना, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उनके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे कि वो कैसे टू द पॉइंट रहें? फ्रेशर्स की सबसे कॉमन क्वेरी तो यही रहती है, जैसे जब वो प्रीवियस ईयर एक कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर करो प्रीवियस ईयर, वो सुन तो लेते हैं हर जगह से, लेकिन जब उन्हें करने बैठते हैं तो उनके मार्क्स उतने नहीं आते उसमें, तो वो उससे मतलब डिमोटिवेट होते हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा। बस यही मेन यही टर्निंग पॉइंट है, अगर तुमने ये सोच लिया होगा या नहीं होगा तो क्लियर है कि होगा ही नहीं उसका, और अगर तुम यही सोच रखा है कि होगा ही होगा तो वो 100% होगा। जैसे मार्क्स किसी के कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं कि हो सकता है तुमने वो चीज़ें ना पढ़ी हो। एक एग्ज़ाम में एक ये भी चीज़ तो मैटर करती है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है बहुत, कि अगर तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेशर्स को ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे एक बार पेपर दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, चार बार पेपर दिया, अगर 3-4 बार में भी नहीं हुआ तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों नहीं हुआ हमारा 3-4 बार, अगली बार होगा और ज़रूर होगा किसी अच्छे में, मतलब समथिंग इज़ गोइंग बेटर फॉर यू, मतलब ये है कि कोई ना कोई अच्छा ही काम होने वाला है तुम्हारे लिए। तो इसीलिए ये डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई हमारा एमटीएस कांस्टेबल में नहीं हुआ, पढ़ाई करो कांस्टेबल में, मेरा भी 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, एमटीएस में भी नहीं हुआ था मेरा तो, लेकिन उसके बाद जब होने पाए तो एक लेवल की पढ़ाई होती है ना, वो अगर लेवल की पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हो जाते हैं, इतना कोई टफ नहीं रहता। और भटके ना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये है कि 2 महीने तैयारी कर ली फिर छोड़ दी, ये ना करें, बस ये करोगे तब तो नहीं हो पाएगा, मतलब कंटिन्यूटी रहे तैयारी में। अब इस लास्ट क्वेश्चन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स विंडो के माध्यम से आपको तमाम लोग सुनेंगे, तमाम फ्रेशर होंगे उसमें, कुछ ऐसे भी होंगे जो प्री हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हो रहा है और टीयर थर्ड नहीं हो पा रहा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, उनके 2 शब्द कहें कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप टपर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाकर आप अपना सर्विस देंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे सर का जो यूट्यूब चैनल चल रहा है उससे बहुत सारी मोटिवेशंस मिलती हैं, बहुत बहुत टॉपर्स के इंटरव्यू लेते हैं, तो वो टॉपर्स के इंटरव्यू इसीलिए हैं कि वो तुम्हें मतलब मोटिवेटेड करें रहे हैं वो टाइम टू टाइम, वो सारे बहुत सारी ऐसी क्वेरी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर कोई बंदा सोचता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कि मेरी लाइफ मतलब बेकार चल रही है, मैं ही मतलब उससे गुजर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा नहीं होता, हर किसी के साथ वैसा ही होता है और शायद तुमसे बेहतर होता है, मतलब हर कोई उसी लाइफ से गुजरा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब तैयारी छोड़ दो या तैयारी ना रखो, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, जैसे भी हाल है घर में या बाहर या कहीं रह रहे हो वहाँ पर तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, और सिलेक्शन तो होना ही है, एक दिन ज़रूर हो ही जाएगा सिलेक्शन तो। सर थैंक यू सो मच, बहुत प्रोफेसर समय निकाल के आपने हमसे बात किया है, और उम्मीद करते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में आप होंगे आगे चल कर और उन्नति आ पाएंगे। हाँ तो ये हमारे साथ है सुदीप कौशिक सर, इनसे हमारी बातचीत हुई, ये SSC में सिलेक्ट हुए हैं, डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिला होगा, एक इंस्पिरेशन मिला होगा और इन्फॉर्मेशन तो मिलेगा ही डेफिनेटली, सर ने अपनी स्ट्रेटेजी बताई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलेंगे इस नए टॉपर के साथ।